दोस्तों हमारी लाइफ में लव का, रिलेशनशिप का, ब्रेकअप्स का एक इम्पोर्टेंट, एक मेजर रोल होता है। हम अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, और कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स भी उसका पार्ट होता है। हार्ड टाइम कैसे फेस करना है और सारी चीजें, पर कहीं ना कहीं हम अपने आप से अपनी केयर करना भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी केयर करें, पर क्या आपने कभी आपसे अपने आप से पूछा है कि क्या मैं अपनी खुद की केयर कर रहा हूं? जी नहीं, शायद ही कोई बंदा होगा जो ये करता होगा। और इस पॉडकास्ट को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे अंदर खुद ही में गिल्ट आ रहा था कि यार ये चीजें तो मैं भी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहे? और फिर हम चाहते हैं कि हमारी कोई केयर करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो आज के गेस्ट हैं वो खुद एक सेल्फ लव कोच है, हैप्पीनेस कोच है, और अगर आप इंस्टाग्राम पर जानते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो शायद आपने नाम भी सुना होगा, दी हैप्पीनेस कोच अंजलि। जी हाँ, हमारे जो गेस्ट हैं वो है अंजलि कुरशाने, और वो एक सेल्फ लव कोच है और बहुत सारी चीजें, वो एक ऑथर भी है, एनर्जी हीलर भी है। ये थर्ड एपिसोड है गहन चर्चा सीरीज का, फॉर द साइकोलॉजिकल पॉडकास्ट फॉर द जेन ज़ी जनरेशन। और सेल्फ लव, प्यार, अपने आप से प्यार, दोस्तों की केयर करना, पहले खुद की केयर करना कैसे हो सकता है, सारी चीजें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी है। सो हैव अ लुक ऑन दिस पॉडकास्ट। अंजलि कुरशाने भी, स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित लूथरा और लूथरास पॉडकास्ट पर। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ऑन माई चैनल। एंड एक जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी गहन चर्चा, आप उसका पार्ट हो, क्योंकि हम एक जेंजी जनरेशन के लिए एक सीरीज थी। सो मेरे को बहुत खुशी है। और आज का जो टॉपिक आपने मुझे सजेस्ट किया था कि इस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव टॉपिक को डिस्कवर करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, ताकि व्यूअर्स को भी एक आइडिया मिल जाए कि आप कौन हो, तो एक बार डिस्क्राइब कर दो कि हु इज अंजलि कुरशाने। थैंक यू सो मच हर्षित, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और इस पॉडकास्ट में मुझे पार्ट बनाने के लिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आपकी जो सीरीज आई है उसके लिए। आई होप वो काफी अच्छी चले। टू आंसर योर क्वेश्चन, हु इज अंजलि कुरशाने, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको आंसर करना, बिकॉज वो मैंने भी अभी तक फिगर आउट नहीं करा। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग दैट आउट। बट नॉर्मली क्वालिफिकेशन सर ऐसे बात करो तो यस, आई एम एन ऑथर, आई एम अ हैप्पीनेस कोच, आई वर्क with people, I'm on a mission to make them fall in love with themselves. इसलिए आज का टॉपिक सेल्फ लव बेस पे रखा गया, क्योंकि मेरा काम ही वो है, मेरा मिशन ही वो है, and I want people to fall in love with themselves. उसके अलावा अगर आप ये पूछोगे कि क्या पसंद है क्या नहीं, तो मेरे को वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, ऐसी छोटी छोटी चीजें, कुछ ऐसी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से आई फील की यू नो सेल्फ लव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसीलिए सेल्फ लव इज समथिंग वेरी क्लोज टू मी। ये ऐसी चीज है जिसके जो मुझे लगता है कि आप जितने भी अलग अलग तरीके के प्यार करते हो ना, चाहे अपनी फैमिली से करो, अपने फ्रेंड्स से करो, रिलेशनशिप में करो या किसी से भी करो, उन सबको कंबाइन करने के लिए ये वाला एक फैक्टर बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लोगों को भी सिखाया नहीं जाता। सो आई थिंक मैंने अपनी डेफिनेशन अपने आप को बनाया ही इस फैक्टर के ऊपर है, व्हेन आई रियलाइज दैट यू नो दिस इज समथिंग दैट इज मिसिंग। जब वो मिसिंग फैक्टर को मैंने ऐड करा, उसके बाद ही मैं जितना जो कुछ आज हूँ वो मैं उसके बाद ही हो पाई थी। उससे पहले तक तो मैं बस एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी, एक नॉर्मल नौकरी करने वाली लड़की थी। तो फ्रॉम देयर टू बी दिस पर्सन हु सेज दैट आई एम ऑन अ मिशन, दिस बिकेम बिकॉज ऑफ सेल्फ लव। सो शुरुआत इसी से करते हैं कि सेल्फ लव एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज सेल्फ लव? मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि सेल्फ लव क्या है। देखो सेल्फ लव को ट्रांसलेट करेंगे तो इट इज जस्ट अपने आप से प्यार करना, खुद से प्यार करना इज सेल्फ लव, ठीक है। पर अब होता क्या है कि अगर आप कभी अगर अब अभी आप अपने आप को ना सोचे, किसी और के बारे में सोचो, जब आप किसी और से प्यार करते हैं तो आप क्या करते हो? आप उनके साथ बाहर जाते हो, उनको डेट पे लेके जाते हो, उनको गिफ्ट देते हो, उनको पैम्पर करते हो, उनके साथ रहते हो, अगर वो अपसेट होते हैं तो उनको चेयर करते हो, ये सारी चीजें करते हो, है ना। यही सारी चीजें जब हम अपने लिए अपने आप करने लग जाते हैं, जब हम चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कोई बोल रहा है, पर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिल कर रहा है करने का, तब हम सेल्फ लव करते हैं। यूजुअली इस सेल्फ लव की कमी पता है लोगों में क्यों होती है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस, जिसको लोग जानते ही नहीं है, जो उनको समझ ही नहीं आता कि क्या चीज क्या है सेल्फ अवेयरनेस, हमें जरूरत क्यों सेल्फ अवेयरनेस। तो जो इंसान अपने आप, अब आप किसी और से प्यार करते हो तो आप उस इंसान को जानते हो ना, उसको क्या पसंद है, कौन सी मूवीज देखना पसंद है, क्या खाने में पसंद है, सारी चीजें आप सीखना चाहते हो उसके बारे में। यही सारी चीजें जब आपको अपने बारे में पता चलेगी तभी तो आप अपने आप से प्यार कर पाओगे। यही नहीं पता कि मुझे पसंद क्या है तो फायदा क्या है। या
तो सेल्फ लव इन लेमैन टर्म्स इज एक्चुअली नोइंग योरसेल्फ एंड वर्किंग फॉर योरसेल्फ ओनली फॉर योरसेल्फ. You're not doing it for anybody else in the world. You're just doing it for yourself. Yeah. So like self-love or self-discipline. ये बहुत एक वो है self-discipline. Like आपको ये बताऊँगा कि like अगर आप self-discipline हो तो आप एक focus हो. तो self-love का और self-discipline का क्या connection है? तो जब मैं self-love explain करती हूँ ना, मैं usually self-love को दो parts में divide करती हूँ. एक होता है self-awareness जो मैंने अभी बताया. दूसरा है self-discipline. क्योंकि डिसिप्लिन आपको किसी और के लिए नहीं रखना है. मतलब अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो तो आप किसी और के लिए नहीं उठ रहे हो, किसी और कोई फायदा नहीं होगा आपके उठने से. आप ही होगा. बट अगेन वो डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए जो आप कर भी पाओ. ये नहीं कि हाँ मुझसे हो भी नहीं रहा फिर भी मैं मर मर के कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं है. अपनी आपकी उतनी केयर करना और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना ताकि आप अपने लिए सक्सेसफुल हो, वहां सेल्फ लव आता है. यूजुअली जो लोग अपने आप जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं ना, देखा होगा कुछ कुछ हमारे मतलब पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं सेम टाइम पे उठेंगे, सेम टाइम पे सोचेंगे, 10 बजे तो ऐसे सोचेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया. और हमारी तो उस टाइम सुबह होती है कि हाँ अब हम उठे हैं काम. वो लोग 10 बजे सो जाते हैं, उनका हो जाता है. बिकॉज वो लोग इतने, पहली बात तो वो इतने साल से ट्रेन हो गए हैं. दूसरी बात, उन्होंने अपने सिस्टम अपने बॉडी क्लॉक को उस तरह डाल दिया है कि हाँ ये मेरा डिसिप्लिन है, इस तरह मैं रहता हूँ. इसलिए कभी अगर उनका टाइम टेबल शिफ्ट हो जाता है ना तो उनको बहुत दिक्कत होती है. वो चीज वो पसंद नहीं करते. बिकॉज वो उस स्टेज पर आ गए हैं कि दे लव देमसेल्फ इनफ कि दे विल फॉलो व्हाट दे हैव बीन डूइंग फॉर दीस मेनी इयर्स. अब चाहे वो प्रोसेस की वजह से बन गया क्योंकि वो कंटीन्यूअसली हर बार ही होता, या चाहे वो उनकी चॉइस की वजह से हुआ. हमारी एज में इन दैट इन आवर लेट टीन्स एंड प्रोबब्ली इन द एज ऑफ 20s to 30s जो लोग डिसिप्लिन पे आते हैं वो अपनी चॉइस से आते हैं कि हाँ मुझे सुबह उठना है, हाँ मुझे इस टाइम खाना खाना है, हाँ मुझे जिम रोज जाना है. ये चॉइस लेते हैं. जब आप ये चॉइस अपने लिए लेते हो अपने बेनिफिट के लिए, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन अपने बेनिफिट के लिए करते हो क्योंकि आप अपनी बॉडी की केयर करना चाहते हो, दैट इज जब सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ लव इकट्ठे आते हैं. सो लाइक मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे यूथ जो है वो ये सोचते हैं यार सेल्फ लव हमारे लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या मतलब ये है कि सेल्फ लव की बेसिक नीड्स क्या है मेरे लिए, तो वो एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा ताकि उनको पता चले. बेसिक सी सेल्फ लव की कोई बेसिक नीड्स नहीं है. सेल्फ लव एक नेसेसिटी है. उसके बिना काम चलता नहीं है. मतलब चल रहा है लोगों का, ऐसी बात नहीं है कि लोगों का काम नहीं चल रहा, काफी लोगों का चल रहा है. पर उसके बिना सेल्फ लव के ना आपको अंदर एक वॉइड आ जाता है, एक छोटी सी कमी आ जाती है कि यार पता नहीं कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. एक मुझे मीनिंग होता है ना लाइफ का, वो नहीं मिल पाता. क्योंकि आप मोस्टली कंफ्यूज रहते हो. आप काम सारा कर रहे हो, आप सुबह उठ भी रहे हो, आप चीजें भी सब कर रहे हो, बट अंदर वाली जो खुशी होती है वो थोड़ी सी मिसिंग होती है. क्योंकि जब आप इतना काम कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? इन द एंड अगर आप ही उस चीज से खुश नहीं हो. अगर आपने देखा होगा यूजुअली क्या होता है कि जैसे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, यही सब बनते रहो, है ना. अब उस टाइम अगर बच्चा बनना चाहता है वेल एंड गुड, तब कोई दिक्कत नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर उसको नहीं बनना, उसे कुछ और करना है, तो वो जो भी कर रहा है चाहे अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहा है, वो अपनी खुशी को तो भूल रहा है ना पीछे. बिल्कुल. और ये बात आप कहीं भी लिख के ले लो, जो काम अपने दिल से करोगे ना उस पर आप 10 times ज्यादा सक्सेसफुल होगे. और दिल से तभी करोगे जब अपने आप दिल को जानते होगे, जब आप अपने दिल को सुनना चाहोगे. वो होगा सेल्फ लव से. जब तक अपने आप को जानोगे नहीं, जब सुनोगे नहीं, पता ही नहीं होगा कि आपके बारे में ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पसंद है. चाहे वो बेसिक हो, मुझे ये कलर पसंद है, 2 कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है. लेवल कोई भी हो, पर वो जानना बहुत जरूरी है कि हाँ इन तरह के लोगों से मैं बात नहीं कर सकती, यार ये मेरे मैं डील नहीं कर सकती. वो बाउंड्री आपने फिर अपने लिए क्रिएट कर ली कि हाँ दीज आर द काइंड ऑफ पीपल आई डोंट वांट. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि हमारी लाइफ में बहुत टॉक्सिक लोग हैं, बाउंड्री सेट करना बहुत मुश्किल होता है, पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, ये सब कुछ का क्योर सेल्फ लव है. ये सारी दिक्कतों का क्योर सेल्फ लव है. सो लाइक यहाँ पर एक मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि काम जो है हमारे को जो डिसीजन लेने चाहिए वो दिल से लेने चाहिए या दिमाग से लेने चाहिए. क्योंकि लोग कहते हैं यार आप दिल से डिसीजन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो एक्चुअल डिसीजन है जो आपके लिए है वो नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपने फिर उस पर एक वो कहते हैं ना कि डीप डाइव नहीं किया उसको, आपने उसकी पूरी वो नहीं करी है, एनालिसिस नहीं किया कि फ्यूचर में क्या होगा. वो सारा जो होता है वो ब्रेन से लिया जाता है. तो आपका यहाँ पर क्या पॉइंट है कि दिल से डिसीजन लेना या दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए, मतलब काम कैसे करना चाहिए? ओके, सो मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि दिल और दिमाग को अलग करने के लिए किसने बोला है?
किसी ने क्यों बोला है कि आपको दिल अलग करना है और आपको दिमाग अलग करना है? आप दोनों बॉडी पार्ट्स आप ही के हैं, मेटाफोरिकली भी फिजिकली भी आप ही के हैं, वो काम आप ही के लिए कर रहे हैं। चाहे देखो दिमाग में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, एक इमोशनल होता है एक लॉजिकल होता है, दिल इमोशनल होता है। तो इन द एंड हो सब कुछ दिमाग से रहे, टेक्निकली स्पीकिंग वो सब कुछ दिमाग से रहे। बोलने की बात है कि दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, एक्चुअली तुम राइट या लेफ्ट ब्रेन की सुन रहे हो, बट द पॉइंट इज इसको अलग करने की क्या जरूरत है? सुनना आपको अपनी है, अपनी सुननी है, चाहे वो ऊपर से सुनो या दिल से सुनो, कहीं से भी सुनो, सुननी आपको अपनी है। अब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप कुछ जगह इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, आप कुछ चीजें सिर्फ इमोशंस में आके कर जाते हो। सपोजिटली कभी सोचा आपके किसी दोस्त का बर्थडे, आप वो सेलिब्रेट अच्छे से करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि आप उससे इमोशनल इन्वेस्टेड हो। चाहे आपको यू नो मे बी अगले दिन ऑफिस में लेट जाना पड़े, कुछ भी, अब दिमाग से सोचोगे उस टाइम कि यार ऑफिस लेट होगा मैं नहीं जा सकता, तो वो वाला जो वैल्यू, जो इमोशन है उसको तो वैल्यू जीरो कर दी ना आपने। तो उसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई हैक नहीं है कि हाँ यहाँ पे दिमाग लगाओ यहाँ दिल लगाओ, दोनों को साथ चलाओ, जहां जहां चला सकते हो वहां दोनों को साथ चलाओ, कभी इनको अलग अलग मत समझो। क्योंकि सेल्फ लव करो तो ऊपर से नीचे तक अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, आधा दूर नहीं कर सकते कि मेरा दिल छुपड़े मैं उसकी नहीं सुन रहा, मेरा दिमाग छुपड़े मैं उसकी नहीं सुन रहा, ऐसे नहीं कर सकते। तो जो चीजें नहीं भी पसंद उसको भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो अब क्या होता है इस सिचुएशन में, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हर छोटी बात पर रो पड़ जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब यूजुअली लोग उनको बहुत वीक समझते हैं, और यही जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं, उनको लोग बहुत स्ट्रांग समझते हैं, ठीक है। होता उल्टा है, जो वीक है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, मतलब वो स्ट्रांग है, वो दुनिया को बता पाता है वो क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग्स रिलेट कर पा रहा है। एग्जैक्टली। और जो ऐसे आंगरी रहता है या फिर जो अपने इमोशंस इस तरह दिखाता है, वो एक्चुअली अपने इमोशंस हाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इन द एंड तो आपने स्ट्रांग और वीकनेस को उल्टा कर दिया, वो तो आपने बिल्कुल उल्टा समझ दिया। तो हो सकता है कोई इंसान अगर बहुत सेंसिटिव हो, वो दिमाग से डिसीजंस ले रहा हो, या फिर अगर कोई बहुत गुस्से में, वो दिल से डिसीजन ले रहा हो। द पॉइंट इज बोथ ऑफ देम हैव टू वर्क टुगेदर। You cannot say कि मैं इसकी सुनूंगा या उसकी सुनूंगा। ये दो अगर ये वाला डिविजन करना है ना, दिस डिविजन शुड बी विथ योर इविल माइंड एंड द गुड माइंड, जो आपको एक सेल्फ क्रिटिक माइंड होता है आपको, जो आपको नेगेटिविटी फीड करते रहता है, और एक जो उसको काउंटर करता है, उसमें डिविजन वैलिड है कि हम किसकी सुने। बट ये दिल और दिमाग में दोनों को मिला के सुनो, दोनों के इमोशनली भी सोचो पर लॉजिकली भी सोचो। So like, आपने ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी हो, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा किया कि रियलिटी से एस्केप बहुत ज्यादा लोग करते हैं। लाइक मैंने अपने उसमें देखा है, अपनी जो मैं लोगों से मिलता हूँ, कि यार वो अपनी जो उनकी गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, उनसे भागना चाहते हैं। तो क्या उनको सेल्फ लव की कमी है, वो कैसे मतलब उसको एक्सेप्ट करना सीखे, मतलब आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखो, ऐसा कोई भी इंसान आज तक नहीं जिसने गलती नहीं करी है। हमारे पास्ट में हम सब ने ऐसी ऐसी गलतियां करी होती है जिससे एक्चुअली अंदर दुख होता है कि यार ये क्यों कर दिया, यार ये तो बहुत गलत किया था मैंने। सबके, और द पॉइंट ऐसे सबके साथ होता है, ऐसा कभी नहीं है कि यू नो किसी के साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ हुआ है। बट द फैक्ट कि लोग अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं करते हैं, इसलिए उनको समझ ही नहीं आता, उनको लगता है कि हम ही इतने बुरे कि हमने इतनी बुरी चीज करी है किसी के साथ या अपने साथ ही, क्यों नहीं? क्योंकि अंडरस्टैंड, आपकी मोस्टली गलतियां ना आपके चाइल्डहुड में होती है, वो आपके डेवलपमेंट स्टेज होता है, तब आप नादान होते हो, आपको भी नहीं पता होता आप क्या कर रहे होते हो, बट आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। जितनी चीजों की वजह से आप हर्ट होते हो वो भी आपके चाइल्डहुड से आता है, तो जो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं वो भी वहीं से आते हैं। तो आपके चाइल्डहुड आपका ग्रोइंग स्टेज था, वहां पे जो भी चीजों ने आपको इफेक्ट किया वो अभी भी आपके एडल्टहुड में आएगा। अब उसको एज एन अडल्ट आप कैसे डील करोगे? हमेशा आप जिस भी सिचुएशन हो ना, आप ये सोचो कि अगर मेरे सामने कोई 10 साल का बच्चा ये चीज मेरे सामने अभी करे, मैं उसको क्या डांटूंगा या मैं उसको समझाऊंगा? What would be my approach at this age, whatever your age may be, 20, 21, 25, 24, whatever your age is, at this point of the time, अगर आपके सामने वही same mistake कोई और करे तो आप उसको कैसे बोलेंगे? And I can guarantee you, most of the लोग बोलेंगे हम समझाएंगे, हम blame नहीं करेंगे, हम समझाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो बच्चा नहीं जानता वो क्या कर रहा है, क्योंकि आपको पता है वो अभी नादानी में कर रहा है, गलती से कर रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि आपने जो गलती करी है वो आपने नादानी में करी है। या आपको अगर दिल से ही पता था ना, उस टाइम वो जोश ऐसा होता है कि यार कर दिया, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हो रहा, कर दिया। तो जब आप उस टाइम उस एक बच्चे के लिए सोच सकते हो जो अनजान है आपसे, तो आप अपने लिए तो ये कर सकते हो ना। पर इस चीज को एक्सेप्ट करना इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई और इस बारे में बात नहीं कर रहा। अब ये सोचो, अगर एक ग्रुप में 10 जने बैठे, वो सारे 10 जने ये बताए कि हाँ हमने ये गलती की थी, हमने ये गलती की थी, हमने ये गलती की थी,
उन सारे 10 जनों के लिए इट विल बी वेरी इजी टू फॉरगिव देमसेल्व्स. चाहे वो एक दूसरे को जज कर लेंगे, अच्छा वो तूने ये किया तो तूने वो किया, लोग जज करेंगे, बट वो आसान हो जाएगा अपने अपनी गलती माफ करना. अब जैसे इफ यू कैन सी कि हां मैंने अपने मुंह का कवर लगाया हुआ है, मैंने इसमें एक चैप्टर लिखा था फॉरगिवनेस के ऊपर, जिसमें मैंने अपनी गलतियां पब्लिकली लिखी है कि भैया मैंने ये सारी चीजें करी थी. एंड यस यू कैन थिंक दैट आई एम अ बैड पर्सन बिकॉज़ ऑफ इट, बट आई वाज स्मॉल, आई डिड नॉट नो, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग, बट दैट डज नॉट मीन आई विल होल्ड इट अगेंस्ट माय सेल्फ. अपने अगेंस्ट अगर आप कुछ होल्ड कर रहे हो तो कोई भी और इंसान जो आपकी लाइफ में नया आता है वो भी आपके अगेंस्ट वो चीजें होल्ड करेगा. इसलिए फॉरगिवनेस, जब आप दूसरों को फॉरगिव, आप तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को फॉरगिव करना शुरू करते हो. बहुत फेमस कोट है, फॉरगेट बट डोंट फॉरगिव. बहुत सुना होगा, फॉरगेट कर दो पर फॉरगिव मत करो, फॉरगिव मत करो वो रखो. ये दुनिया की सबसे टॉक्सिक लाइन है. सबसे टॉक्सिक लाइन क्यों? फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है, अगर आपने किसी चीज को पकड़ के रखना अपने हाथ में, इन दी एंड वो आप ही को दर्द कर रहा है. आपने देखा है ना कि अगर एक बॉटल वाला एग्जांपल कि मैंने ये पकड़ी हुई है, अभी कितनी देर तक मैं पकड़ सकती हूँ, जितनी देर ज्यादा तक पकड़ूंगी उतना टाइम मुझे हर्ट करेगा, है ना. तो ऐसे ही अपनी मिस्टेक्स को आपने पकड़ के रखा है, हर्ट वो किसी और को नहीं कर रही सिवाय आपके. जिस दिन आपने लेट गो करा, और द डे यू अंडरस्टैंड टू लेट गो थिंग्स, That is the day you will be able to forgive everybody who has hurt you and yourself. वो वाला प्रोसेस ही बहुत आसान हो जाएगा. तो ये छोटी छोटी चीजें जो सेल्फ लव बहुत प्यार से सिखाती है. जब आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप की वो वैल्यू रखते हो ना अपने सामने कि हाँ यार मैं ये हूँ, मुझे ऐसे करना है, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार ठीक है गलती हुई थी ना, कोई बात नहीं, अब तो हम ऐसे नहीं है. द फैक्ट कि यू नो यू डू नॉट रिलेट टू एनी ऑफ योर मिस्टेक्स मींस दैट यू हैव ग्रोन आउट ऑफ इट. Means that you have improved. You are a different version of yourself. तो वो तो किसी पुरानी अंजलि ने गलती करी थी ना. अभी नई अंजलि उसको क्यों, उसका blame अभी तक क्यों ले? बिल्कुल. कोई sense नहीं बनता ना उस बात का. तो इसलिए it is important कि आप अपने आप को उस दो different perspectives से देखो, एक अलग इंसान की तरह देखो अपने आपको, और फिर पूछो कि यार ठीक है गलती करी, but we are not the same anymore. So it's okay. I can forgive you. जैसे ही वो करा, बाकी जितनी दुनिया में जिसको forgive करना होगा ना, बहुत आसान हो जाएगा. So like आपको ये चीज लगती है कि सेल्फ लव, मतलब जो यूथ है वो ये सोचता है कि यार मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ, मैं दिल की सुन रहा हूँ, जैसे आपने कहा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, मैं इमोशनली सोच रहा हूँ तो मैं कुछ गलत डिसीजन लूंगा ही नहीं. इससे क्या होता है, वो फ्रीडम की तरफ चले जाते हैं. इस सेल्फ लव जो है वो फ्रीडम का मतलब है. तो आपका उस पर क्या पॉइंट है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सेल्फ लव का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी है. तो अगर अंडरस्टैंड, अगर कोई फ्रीडम की तरफ भी जा रहा है ना, वो उस लेवल तक जाएगा जितना उसके लिए अच्छा है, पर उसको नहीं पता. Self love is also self awareness. Self love is also self awareness. Self awareness and self discipline is self love. जैसे ही आपको पता चल जाए कि हाँ these are the things I want to do, मैं इसमें इस limit तक जा सकता हूँ, आप उसी limit तक जाओगे, थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे, experiment करने में कुछ बुरा नहीं है. पर एक होता है carefree attitude कि हमें किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता. That is not self love. Self love does not mean that you are being very selfish to yourself. Yeah. आपको किसी और के इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को हर्ट करने जा रहे हो जस्ट बिकॉज मैं सेल्फ लव में ना, मैं सब अपनी सोचूंगी, मैं किसी और की सोचूंगी. दैट इज नॉट सेल्फ लव. सेल्फ लव इज कि व्हेन यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, जब आप अपने आप को समझते हो, अपनी फीलिंग्स को समझते हो, तो आप दूसरों की भी उसी लेवल की केयर करने लग जाओ. जब आपको ये भी समझ आएगा कि यार इसने कुछ गलती करी है ना, इसका मतलब ये है, इस रीजन से गलती हुई. तो सेल्फ लव इज एक्चुअली देयर टू यू नो टेल यू कि हाँ यार गलती करी कोई बात नहीं, हम सुधार सकते हैं. इसने गलती करी कोई बात नहीं, हम ये भी सुधार लेंगे. So like आपका इस नहीं जाता. So like आपका इस पे क्या पॉइंट है कि like आप कोई एक बंदा है, उसको नहीं पता, पर उसको लगता है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है, पर उसको नहीं पता एक्चुअल में उसके पीछे क्या है. वो नहीं कोई पता होता है जो जिन्होंने वो काम फेस किया है, या फिर आप कोई इंस्पिरेशन ले सकते हो पर वो काम वो करना चाहते हैं. तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर गिरने का भी डर है, रिस्क भी है, जैसे आपने कहा एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए. तो आपका क्या वो पॉइंट है कि रिस्क लें या ना लें, क्योंकि वो आपकी बॉडी को फ्यूचर में हार्म भी कर सकता है. आप रिस्क ले रहे हो, लाइक स्टार्टअप करते हैं लोग, वो आपको डबल साइडेड हो गया ना, कि आपको फ्यूचर में आप ये भी हो सकता है कि आपका स्टार्टअप ना चले, आप जीरो पे वैल्यूएशन करो, ठीक है. और उधर से आप एक रिस्क ले रहे हो कि शायद ये मेरा प्यार भी है, पर आपको ये भी पता कि शायद मैं गिर भी जाऊं. तो दोनों चीजें यहाँ पर गलत हो रही है कि आप अपनी अपने जो आपको दिल कह रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है वो आप कर रहे हो, पर आपको ये भी पता है इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? ओके, एक छोटा सा एग्जांपल, आपने कभी पैराग्लाइडिंग देखी है? हाँ. कभी मन करे करने का? या मन करे करने का या सब
वहां पे वो रस्सी वस्सी ढंग से बांधते हैं ना आपको पूरा, आपको हार्नेस अच्छे से करते हैं, डर लगता है कि गिर जाओगे। हाँ एक बार तो लगता ही है थोड़ा बहुत, तो करते हो फिर भी कि नहीं करते हो? बिल्कुल। और क्यों करते हो? क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। हाँ प्लेजर भी है, क्योंकि मजा बहुत आता है, वो पूरा व्यू जब देखने को मिलता है ऊपर से वो बहुत अच्छा लगता है दिल को, है ना? समझो जब भी हम कोई भी गलती करते हैं ना, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लाइफ में, या कोई भी रिस्क लेते हैं, चाहे वो एडवेंचरस रिस्क हो या वो स्टार्टअप रिस्क हो या वो पढ़ाई पे रिस्क हो, जैसे लोग अपने सब्जेक्ट में रिस्क लेते हैं ना कि यार पता नहीं इसमें क्या होगा, फिर भी कर लेते हैं। मैंने अपने ग्रेजुएशन में रिस्क लिया था, मैंने कॉलेज सिलेक्ट किया था, सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था, बट इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। नहीं होता तो क्या होता, मैं थोड़े से सल्क करके कॉलेज ना जाते जाता था, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना। अंडरस्टैंड कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, जब आप रिस्क करोगे तभी तो आपको चलता है कि क्या नहीं पसंद। अगर स्टार्टअप नहीं चला तो पता चलेगा ना कि ये रीजन से, इसकी वजह से नहीं चला, तो अब यहाँ काम करना है। जब भी आप कोई चीज दिल से करते हो ना, आप उसमें अपना 110% देते हो। जब किसी चीज से 110% देते हो, यू विल मेक श्योर इट वर्क्स, एंड इवन इफ इट डजंट यू विल कम बैक टू इट, बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू जेन्युइनली लव डूइंग। अब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम से जॉब छोड़ देते हैं कि आई विल डू माय पैशन, आई विल फॉलो माय पैशन एंड ऑल, टू मंथ्स इनटू इट, थ्री मंथ्स इनटू इट, दे फील कि यार नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। अब चाहे वो दो तीन महीने बाद कोई नई नौकरी ले ले, छह महीने बाद वो वापस यहाँ पर आएंगे, जो गलतियां अभी करी थी वो वापस उतारेंगे। किसी ने ये थोड़ी बोला कि गेम बस एक बार किया, कि एक बार स्टार्टअप चलाया उसके बाद नहीं चले तो खत्म, जीरो। ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जो एक बारी में चल गया? Amazon को भी Amazon बनने के लिए टाइम लगा था ना, Apple को भी Apple बनने के लिए टाइम लगा था ना, Bill Gates को तो फेंक देते रूम से बाहर कि यार तुम तो जो आइडिया दे रहे हो बकवास है। उसने काम किया ना उस पे। अंडरस्टैंड कि रिस्क जब तक आप उठाओगे नहीं, जब तक आप उस चीज में बेट नहीं लोगे, आपको कैसे पता चलेगी कि नहीं, क्योंकि चांस तो 50-50 है। 50 का 70%, 80%, 90% आपका काम है, आपको बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं बना तो उससे कुछ सीखोगे, वो नुकसान नहीं है, वो एक्चुअली नुकसान ही है, दैट इज अ लर्निंग। उसके बाद जो करोगे वो उससे भी बहुत बेटर करोगे। जो भी चीजें हमने, अब जैसे कोई आपको अब जाके बोले कि हर्षित यार 11th के एग्जाम्स फिर से देगा नहीं, चाहे उस टाइम बहुत गंदे लगे थे, बिल्कुल मन नहीं होगा देने का, बट अब पता है ना दे सकते हैं। अब वो एक्सपीरियंस है, wasn't like a very big deal. अब ऐसे कितने सारे लोग होते, कितने सारे बच्चे होते जो स्कूल में फेल हो जाते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, वो पास सिर्फ तब होते हैं जब वो एक्चुअली उसमें मेहनत करने बैठते हैं। क्योंकि जब तक आप वो एफर्ट ही नहीं डालोगे तब तक तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। तो रिस्क लेना इज एक्चुअली यू नो टेलिंग योरसेल्फ यार, यू बेटिंग ऑन योर आइडिया, ऑन योरसेल्फ कि यार देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ये भाग के तो देखते हैं, अपना घोड़ा चला के तो देखते हैं कितना आगे तक दौड़ सकते हैं, बस ये देखते हैं। कहीं बीच में रुक गया तो उसको ठीक हम करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है फिर, वो कोई और नहीं आके आपको बोलेगा कि यार स्टार्टअप नहीं चला सॉरी हम बंद करके जा रहे हैं। इट्स अप टू यू कि वो दुकान आपको अपनी कैसे खोलनी है, क्योंकि दुकान बंद करने वाले बहुत आएंगे। और बेसिक एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा सीलिंग, बहुत कभी कभी ना गवर्नमेंट ऐसे ऑर्डर्स निकाल देती है और शॉप सील कर देती है, तो क्या वो शॉप कभी नहीं चलती? नहीं ऐसा तो नहीं, स्टिल वर्क फॉर इट, वो वापस चलाते हैं ना, वो उनका काम है, वो वहां से उनकी रोटी आती है, वो वापस चलाते हैं। क्योंकि इट इज नेवर अ वन मिनट गेम और अ वन रन गेम, वो एक रिले रेस है, कहीं भी स्टॉप आया आपको आगे बढ़ते रहना है, दौड़ते रहना है, चाहे किसी भी तरीके से करो, चाहे कितनी बार भी फेल हो जाओ। अब जैसे वो है एक इंडियन एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इतने साल एक्टिंग करने के बाद वो अब सक्सेसफुल हुआ है। हो सकता था पहले गिव अप कर देता, कह सकता बहुत इजीली कर सकता था, कोई नहीं जानता होता उसको आज के डेट में, बट आज हर घर में जानते हैं उसको। कंसिस्टेंटली वहां रहना, क्योंकि आपका सपना है, क्योंकि आप अपने आप पे इतना भरोसा करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो, अपने आप से इतना प्यार करते हो कि हाँ यार मुझे लगता है मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ तो मैं यहाँ पहुंचूंगा किसी भी हाल में, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये तो लंबी रेस का घोड़ा है, बाकी आपकी मर्जी है जैसे आपको भागने का मन हो। सो लाइक आप ये आपने अपने इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है वो आपने हैप्पीनेस कोच के नाम से कर रखी है, द हैप्पीनेस कोच। तो लाइक मैं ये सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि सेल्फ लव और हैप्पीनेस का आपस में क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो मुझे ना इनिशियली बहुत लोगों ने बोला था कि अंजलि यार सेल्फ लव कोच कर दे, हैप्पीनेस कोच मत कर। ठीक है, और मुझको लगता था कि हाँ यार ठीक है सेल्फ लव, तो मतलब ठीक है सेल्फ लव कोच, पर यार एक बात बताओ, हम
ढूंढते क्या इन दी एंड? जब हम रात को सोते हैं हम क्या विश करते हैं कि यार आज का दिन अच्छा होता, हम खुश होते हैं बाय द एंड. ग्रेटिट्यूड. एवरीथिंग दैट एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर इज वर्किंग फॉर हैप्पीनेस. कि मुझे खुश होना है, मुझे चाहे मेरे को कोई भी गोल अचीव करना है उसके बाद एंड गोल क्या है कि मुझे खुशी मिले. तो सेल्फ लव उस हैप्पीनेस का पार्ट है. मेरे लिए चाहे मेरा दिन कितना भी बुरा हो, मुझे पता है मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो सेल्फ लव भरा हुआ है. बहुत इजी है, मैं अभी भी जाके अपना यूजर नेम सेल्फ लव कोच कर सकती हूँ. बट सेल्फ लव और हैप्पीनेस का डिफरेंस ये है कि मैं आपको उस जर्नी में हैप्पीनेस तक पहुंचाना चाहती हूँ, वहां पे छोड़ना नहीं चाहती. उस एक बार आप अपने आपसे प्यार करना सीख गए ना, ये कोई वो नहीं है कि आपने 4 दिन का कोर्स किया आपको बस हो गया, हमने हाफ ईयरली का एग्जाम लिख दिया और अब तो हम सेल्फ लव के एक्सपर्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता. ये सेल्फ लव एक डेली प्रैक्टिस है. जैसे रोज जिम जाना पड़ता है ना, वैसे रोज चॉइस बनानी पड़ती है अपने लिए कि हाँ आज आई विल डू एवरीथिंग दैट आई लव, आज आई विल अप्रिशिएट माय सेल्फ. एंड सेल्फ लव इज मोर देन बबल बाथ्स, ईटिंग चॉकलेट्स और अपने आप को उस तरह पैम्पर करने से, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है. तो वो जो खुशी इन द एंड, उससे जो खुशी मिलती है ना, मैं गोल की तरफ गई हूँ कि यू विल गेट द हैप्पीनेस, दैट इज व्हाट इज हैप्पीनेस पोटेंशियली, कि आपको वो वाली हैप्पीनेस तक मैं पहुंचा दूंगी यहाँ से वहां पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो लाइक आपने ये चीज देखी होगी कि यूथ हो या हम सभी को इंस्टाग्राम रील्स, ये टाइम पास करना, स्क्रोलिंग करना मजा आता है, और इसमें वो ये सोचते हैं कि यार ये मेरे को प्लेजर दे रहा है, ये मेरे को हैप्पीनेस दे रहा है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं मतलब मेरे को प्यार है इस चीज से. ठीक है, लाइक लोगों को फाइनेंस से प्यार होता है, किसी को किसी और चीज से प्यार होता है. मैंने बहुत सारे, हमारे जो जनरेशन है वो इस चीज को फेस कर रही है कि क्या कर रहा है भाई, इंस्टाग्राम रील स्क्रोल कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा है भाई, कुछ नहीं यूट्यूब स्क्रोल कर रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ. तो क्या ये चीज ठीक है या नहीं? इट डिपेंड्स. अगर आपका करियर उससे रिलेटेड है तो बहुत बढ़िया है, आप रिसर्च कर रहे हो. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और आप ये देख रहे हो कि हाँ बाकी कंटेंट क्रिएटर्स कैसे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप एक्चुअली बैठ के मार्केट रिसर्च करो. बट अगर आप वहां बैठ के टाइम वेस्ट करो, अंडरस्टैंड कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, इसमें आपका डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. वो अवेयरनेस और वो डिसिप्लिन वापस यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप वो चीज कर क्यों रहे हो. इंस्टाग्राम में मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत इंटरटेनिंग वीडियोस है, बहुत मजा आ रहा है, पर क्यों? आपको मन है कंटेंट बनाने का, बनाओ. समझो इन चीजों को ना एज अ प्लेजर टूल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको इंस्टाग्राम फ्री है पर वो आपका टाइम खा रहा है, तो उसका कॉस्ट आपका टाइम है. आप जो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे स्क्रोल करने में लगाते हो, वो आप इंस्टाग्राम को टाइम दे रहे हो. किसी भी आपका रेवेन्यू आज की डेट पे आता ही है कि यूजर उस पर कितना टाइम एंगेज रहता है. और अपेरेंटली इंस्टाग्राम का काफी ज्यादा है, इंस्टाग्राम तो बहुत ज्यादा है. कोई भी नई ऐप जो आज की डेट में आ रही है वो भी यही चाह रही है कि हाँ यूजर एंगेजमेंट बढ़े, यूजर रिटेनिंग टाइम बढ़े, क्योंकि वो फ्री में आपको दे रहे हैं पर वो आपका टाइम आपसे खा रहे हैं. तो आपका टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप डिसाइड करो. अगर आज आप कहोगे कि हाँ मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है तो करते रहो, बट यही आप बोलो कि हाँ मेरा 1 घंटा गया, माई 1 आवर इज इक्वल टू दिस अमाउंट, प्रॉबली कुछ भी अमाउंट हो, चाहे 10 रुपए लो चाहे 2 लाख लो, कि मेरा 1 घंटा इसका वैल्यू ये है, अगर मैं इसमें एक्चुअली काम करता तो मैं ये जनरेट कर लेता है. उससे अपने टाइम को वैल्यू करो तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितने पैसे खा चुके हो, अपने खत्म कर रहे हो अपने पैसे. अगर मैं बोलूँ कि यार मैं 1 घंटा रोज इंस्टाग्राम करने की जगह 1 घंटा सेशन ले लेती, अच्छा तो सेशन में कितना कमाती, अच्छा ये वाला अमाउंट आता, तो मतलब मैंने 10 घंटा इंस्टाग्राम किया, दैट 1 × 10 इतना बड़ा अमाउंट मैंने छोड़ दिया. अगर क्योंकि हम पैसे के हिसाब से सोचते हैं ना, हमारा इंडियन साइकोलॉजी इसकी कि हाँ जहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा हम वहां जाएंगे. तो अपने टाइम की वैल्यू उस हिसाब से कर दो कि अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो आप कितना पैसा कमाते. अब इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे के पीछे भागते रहो और टॉक्सिक हो जाओ और ये सोचते रहो हाँ मैं पैसे कमाने में यही करता रहूंगा, मैं इंस्टाग्राम देख रही हूँ, ये नहीं कह रहा मैं कोई भी. बट इतना कहा जा रहा है कि अपनी वैल्यू आपको खुद डिसाइड कर लिया, वैल्यू होगी समझ आएगा कि हाँ ये चीजें हैं और ऐसे ऐसे करनी होगी, तब अपने आप आगे प्रोसेस पर जाओगे, अपना समझ आएगा कि हाँ इंस्टाग्राम सिर्फ 2 घंटे के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा, वो वही है, उधर ही बैठा हुआ है, फोन में है आपके, नहीं जा रहा कहीं. So, क्या आपको ये चीज लगती है कि गुड रिलेशनशिप की शुरुआत जो होती है वो भी एक सेल्फ लव से ही होती है? डेफिनेटली. इसका रीजन बस ये है, जब आप अपने आप को जानते हो ना, आपकी लाइफ में कोई भी नया आता है आप उसको बता पाते हो कि हाँ दीज आर द थिंग्स आई लाइक, दीज आर द थिंग्स आर अ बिग नो नो फॉर मी, थिंग्स जो थोड़ा सा मेबी मेबी पे चल जाएगी.
आप ये सोचो आपने आगे वाला काम कितना आसान कर दिया। उस बंदे को बैठ के फिगर आउट नहीं करना कि यार पता नहीं इसको ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले से आगे से बता दिया। उसके सारे एफर्ट्स वुड बी इन अकॉर्डेंस टू व्हाट यू जेन्युइनली लव। एंड कौन नहीं चाहता रिलेशनशिप में ऐसा हो, एवरीबॉडी वांट्स दैट कोई जो भी काम कर रहा है वो आपको जो पसंद हो वो करे, वरना हम और ऐसे डिसअपॉइंटमेंट में लोग लड़ाइयां ना करें, हर कोई ये चाहता है ना। तो इसका बेसिक हैक यही है कि आप अपने आपको इतना जानते हो। अब कितनी बारी क्या होता है कि आप जब लोग सेल्फ लव नहीं होता, आप रिलेशनशिप में होते हो ठीक है, और कोई एक चीज होती है जो आपको पसंद नहीं हुई, यार इसने ऐसा क्यों कर दिया, अच्छी मेरे को बात नहीं करती, अब आप लड़ने लग गए ठीक है। तो उसने बोला यार मुझे पता ही नहीं था तुझे ये पसंद नहीं है, और एकदम से आपके यार मुझे भी तो नहीं पता था कि मुझे ये पसंद नहीं है। ये तो अभी सिचुएशन हुई तो रियलाइज हुआ कि नहीं पसंद है तो अब लड़ाई कर ली हमने, है ना। अब यही इसको रिवर्स में सोचो, कोई आपसे वो सिचुएशन ला ही नहीं रहा क्योंकि आपको पसंद नहीं है। एंड बाय चांस इफ एनीबॉडी डज समथिंग दैट यू डोंट लाइक, यू विल बी लाइक यार पहले बताया हुआ है ना मत क्या करिए, एंड ही विल लाइक ओ शिट याद नहीं रहा सॉरी नहीं करूंगा आगे से। वो लड़ाई कितनी जल्दी सॉल्व होगी। एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपकी लड़ाइयां जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, आपका रिलेशनशिप आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हम बात करते हैं ना, हम इस चीज में डरते हैं यार वो कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं हमें नहीं पता, यही क्वेश्चन आता सबका। जब पहले से बता दिया कि हाँ यार ये अच्छा है ये बुरा है, तो आपको पता है ना आगे से रिएक्शन क्या आने वाला है, थोड़ा सिक्योर थोड़ा सा सेफ आप खुद फील करना चाहते हो। सो लाइक आप इस पे एक क्वेश्चन ये आता है कि लाइक एक पर्सन है वो सेल्फ लव्ड है, फुल्ली फिल्ड, जैसे आपने बताया सारी चीजें उसके लिए, वो हैप्पी है अपनी लाइफ में, और वो अकेला रहना पसंद करता है, बट उसके दोस्त आता है कि वो हमसे थोड़ी बहुत बातें करें, तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे उसको, वो गलत ट्रैक पर है क्योंकि वो सेल्फ लव्ड है, वो चाहता है कि अकेला रहना पसंद करता है, बट दोस्तों ये होता है कि यार थोड़ा बहुत हमसे भी बात कर ले, थोड़ा बहुत हम हमारे बारे में पता चलेगा, और तेरे को हमारे बारे में, हमारे को तेरे बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर दोनों साइड से वो चाहता है कि यार तू भी हमारे से बात करे, पर वो चाहता है कि नहीं मैं थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट गाय, तो मैं ज्यादा किसी को बताना नहीं चाहता अपने बारे में। लाइक ये होता है ना कहीं कि यार अगर मैंने इसको बता दिया तो कहीं ना कहीं ये मेरा फायदा ना उठा ले, कि यार मेरी मजबूरियों का फायदा ना उठा ले, कि यार इस चीज को ये पसंद नहीं है चल इसके साथ यही करते हैं ताकि इसको दुख हो, इसको हर्ट करना पसंद हो। इसलिए कई लोग अपने आप में रहते हैं, सेल्फ इंट्रोवर्ट ही रहते हैं, किसी से ज्यादा डिस्कस नहीं करते, तो वहां पर क्या करना चाहिए। एक तो पहले जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का डिफरेंशिएशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर कोई इंट्रोवर्ट है उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों से बात करना नहीं पसंद करता, उसका मतलब बस ये है कि उसको अपनी कंपनी में रहना पसंद है, और लोगों से मिलना इज टू मच एनर्जी ठीक है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो हर जगह हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, वो मजे से सबसे बात करेंगे, यहाँ वहां घूमेंगे, उनको एनर्जी वहां से मिलती है। एक्सट्रोवर्ट्स आर द पीपल हु ऑब्जर्व द एनर्जी, इंट्रोवर्ट्स आर द पीपल जिनको लगता है कि हमने बहुत एनर्जी दे दी ये करके, और एक्सट्रोवर्ट है जो वो उठा लेगा कि हाँ दे रहा है मैं ले रहा हूँ, ये होता है ठीक है। अब ये समझो कि अगर कोई ऐसा इंसान है ना, जितने भी इंसान है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स ठीक है, उनको लोगों की जरूरत होगी, हर किसी इंसान की जरूरत हमेशा होगी। तभी हम कम्युनिटी में रहते हैं, तभी हम कल्चर में रहते हैं, कम्युनिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तभी होता है ना अगर इंस्टाग्राम पे 4-5 जनों का आप जाने लग जाते हाय मेरी कम्युनिटी फीलिंग आ जाती है अच्छी सी, है ना, क्योंकि वो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टू हैव पीपल हु आर लाइक माइंडेड एंड टू हैव पीपल हु नो यू एंड अंडरस्टैंड यू बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उससे हर चीज शेयर मत करो, इंस्टाग्राम पे जाके आप हर बात नहीं बोल देते, पर अच्छा लगता है कि हाँ यार ये कम्युनिटी बनी हुई है, छोटी सी कम्युनिटी पर जैसी भी अच्छी है, मजा आता है, दिल को खुशी होती है। यही आपके दोस्तों की कम्युनिटी होती है, आपकी फैमिली की कम्युनिटी होती है, आपके पीयर्स की अलग कम्युनिटी होती है। अब ये वाले जो लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ये मेरा फायदा ना उठा ले, जब आप सेल्फ लव में होते हो ना आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रेट होती है, आपको पता होता है कौन आपके लिए अच्छा कौन आपके लिए बुरा है। 101% नहीं कह रही, obviously there would be days where you will get hurt, there will be days where you will feel bad, and that's okay, that's completely normal. But ये इस डर से आप ऐसे से कुछ ही लोग होते हैं जिनसे आपको लगता है कि यार नहीं इससे शेयर नहीं करना, वहां पे आप बाउंड्री लगा देते हो कि हाँ ये अजीब सा इंसान है मुझे इस पे भरोसा नहीं है मैं शेयर नहीं करना। बाउंड्री ना टॉक्सिक पर्सन को ढूंढा, बाउंड्री उसके सामने लगा दी, आप हो ही नहीं पाए, वॉल बन गई ना आगे हमारा डिस्कशन पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। तो हो सकता है उस टॉक्सिक इंसान को लगे कि यार ये मुझसे बात नहीं करता, कोई बात नहीं आपके लिए वो टॉक्सिक है ना, आपको लगता है कि यार नहीं, या तो बी दैट डोंट कि आप उससे जाके क्लैरिफाई करो
कि यार मुझे ऐसा लगता है सच है कि नहीं, बता, और वो आपसे ऑनेस्टली बोले कि हाँ यार ये सच है, इतनी कम्युनिकेशन अगर आप कर पाओ, क्योंकि हर रिलेशनशिप पर कम्युनिकेशन इज द मेन पार्ट. कम्युनिकेट आपको करना ही पड़ेगा, आपको कम्युनिटी में रहना है, आपको कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सोशल बीइंग हो, आप बिना कम्युनिकेट के रह ही नहीं सकते, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट. कम्युनिकेट दुनिया से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इन दी एंड इंट्रोवर्ट्स के बिना ऐसे दो या तीन चार लोग उन्होंने सिलेक्ट करे होते हैं कि हाँ यही है, इनके पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे और फिर वापस आते हैं. ज्यादा लोगों से करना ही नहीं इंटरेक्ट, ये चार पांच जने इन्हीं को पसंद करते हैं. सो लाइक इसमें ये चीज आती है कि अगर जैसे आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन जरूरी है, तो अगर आपको ये लगता है कि अगर मान लो मेरे अंदर कुछ है, लाइक मैं सपोज करो मेरे कोई फ्रेंड है और मैंने उसको उसके लिए मतलब उसके प्रति मेरे मन में कुछ है कि यार ये बंदा ऐसा है, और मैंने अगर उसको बोल दिया तो वो बंदा सोच रहा है यार इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, ये जज कर रहा है मेरे को, तो वहां पर वो बंदा लाइक रिलेशन वो एक दोस्त फ्रेंडशिप वगैरह ब्रोक कर देता है. तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती है कि लाइक यार मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, इससे अगर नहीं बोलता तो ज्यादा सही रहता, तो वहां पर क्या करना चाहूंगा? इट अगेन डिपेंड्स कि आगे वाले बंदे के अंदर सेल्फ लव है कि नहीं है. ठीक है, वो उस चीज को कैसा लेता है, वो उसको चीज को इंटरप्रेट कैसे करता है, वो उसकी प्रॉब्लम है. वो जिस भी तरह इंटरप्रेट करे वो उसकी प्रॉब्लम है. आपकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी के लिए ऐसी वाली फीलिंग है कि यार तू ऐसा है, तो उसके नीचे रीजन दो उसको कि यार ये मुझे ये तूने करा इसकी वजह से ऐसा लगा. क्योंकि अंडरस्टैंड कोई भी चीज अगर आप किसी को कुछ भी लेबल करते हो ना, उसके पीछे इंटेंशन और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हो सकता है वो करना कुछ और चाह रहा हो, कर कुछ और गया हो. अगर आप उसका इंटेंशन और एक्शन उसको बताओगे कि यार मेरे को लगा तेरा इंटेंट ये था, पर तूने करा ये, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तू ये, वो आगे से आपको खुद बताएगा कि यार मेरा इंटेंशन ये नहीं, ये था और एक्शन ये था, अब आई एम सॉरी ऐसा लगा तुझे, वो कॉन्वर्सेशन बहुत ईजी हो जाएगी. बट अगेन इट डिपेंड्स कि दोनों की अवेयरनेस लेवल कितना है, दोनों में अपनी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, और दोनों का लेवल ऑफ फ्रेंडशिप कैसा है. अगर वो इतना थिन है कि हाँ उसने ऐसा बोला, ये भाग गया, वो उड़ गया, तो फ्रेंडशिप वही खत्म. बट वही इफ दे एक्चुअली वांट टू वर्क फॉर इट, इट इज वेरी इजी. कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता है, बस अंदर से वो करेज लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हाँ यार बोल तो पाए, और बोल भी ढंग से पाए, ये नहीं कि दो वर्ड्स बोला फिर छोड़ दिया, वो रिग्रेट बात कंप्लीट करना है. So like breakups में आप क्या कहना चाहोगे? Breakups में या hard time जब आपके life में बहुत ज़्यादा down आ जाता है, तो self love की healing process start कैसे होती है, या फिर वो कैसे start होता है? Like आपने energy healer लिख रखा है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, energy healing कैसे होती है? देखो, okay, दोनों अलग अलग concept है, दो अलग अलग questions है ये. तो जब किसी का breakup होता है ना, that is the exact time उनको realize होता है कि हाँ यार self love की काफी कमी है. क्यों? क्योंकि जब किसी का ब्रेकअप होता है तो वो कैसे होता है कि यार इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मेरी वैल्यू नहीं करी. ये दो तीन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम पे कि यार इसको मतलब मैं जितने टाइम से बात बोल रही थी इसको वो समझ ही नहीं आई. या अगर कोई किसी पे चीट करता है तो अगर उसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करी है ना, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से. तब आप डिसाइड करते हो, तब आपके सेल्फ लव की एक्चुअली शुरुआत होती है. तब आप वो सीखना शुरू करते हो कि हाँ मुझे अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि इसके आगे जो भी आप नए रिलेशनशिप में जाओगे वो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है यार ये चीजें नहीं पसंद, ये चीजें पसंद है, अवेयरनेस आ जाती है. अब उसमें हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है कि जब आपका ब्रेकअप होता है या कोई भी ऐसा डाउन मोमेंट आता है ना, उसको बॉटल अप करना नहीं होता कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैंने सोचना ही नहीं, मैं काम पे लग गया. नहीं लगना, दुख हो रहा है, होने दो. 10 दिन हो रहा है, 20 दिन हो रहा है, 1 महीना हो रहा है, 1 साल हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं. अगर आप उसे बॉटल अप कर देते हो तो वो हर रोज भरेगा कि आपके अंदर एक इमोशन है जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर रहे, पर वो है. वो अभी इतना सा होगा, वो ऐसे 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 करके इतना बड़ा पूरा क्लाउड बन जाएगा आपके ऊपर, आपको रियलाइज भी नहीं होगा. और एक दिन यू विल बी लाइक इनफ, और नहीं कर सकता मैं, वो बर्न आउट वाली स्टेज आ जाएगी. इसलिए बॉटल अप इमोशंस को कभी नहीं करते. जितना वेंट आउट करोगे, जितना लोगों से बात करोगे उस टाइम, उतना बेनिफिट होगा. ठीक है. और एनर्जी हीलिंग क्या होती है? एनर्जी हीलिंग इज अ फॉर्म कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हर्ट होता है ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. हमारे हमारे आसपास से एक चीज कही जाती है, ऑरा. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एन ऑरा. ऑरा इज आपके हाथ से थोड़ा सा दूर आपकी बॉडी पे, इस वाले पार्ट पे. सपोज अब मेरा हाथ पूरा दिखेगा नहीं, ऐसे करो, आप करो, ठीक है, जहां पे हाथ जो है करो,
ये वाले पार्ट से आपकी बॉडी का पूरा कवर होना एक हार्ट डिस्टेंस पे इज योर ऑरा, ठीक है, एनर्जी, स्पीकिंग इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब आपको चाहे कोई बीमारी होती है, चाहे कोई हार्ट ब्रेक होता है, चाहे कोई पेन होता है, वो घुसता है आपके ऑरा को इन्फेक्ट करते हुए. जैसे ही आपका ऑरा इन्फेक्ट होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप परेशान ज्यादा हो जाते हो, नेगेटिव इमोशंस भारी हो जाते हैं, ठीक है. सबसे पहले एनर्जी में आपका ऑरा क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वेरी पर्सनल स्पेस, वो कैसा है. तो एनर्जी में ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं. बहुत बड़ा और अलग कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, बट जितनी भी चीजें, जितनी भी दिक्कतें हमें आती हैं, वो हमारे ऑरा से होते हुए हमारी बॉडी में पहुंचती है. तो एनर्जी के हिसाब से आपके हार्ट ब्रेक, जो आपका ब्रेकअप से दिल टूटता है ना, वो भी आपके ऑरा की वजह से आता है, और वो आपके एक फिजिकल पेन में भी टर्न हो सकता है वेरी इजीली. बट उसको कैसे रोकना है, क्या करना है, अगेन वो एनर्जेटिकली मैं यहाँ बताने ना चाहूंगी तो बहुत हाई और बहुत डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, और मतलब अलग रेल भी ले जाएगा हमें. सो लाइक एक चीज ये आती है कि लाइक किसी ने आपको हर्ट किया, लाइक ब्रेकअप किया या कुछ भी है, आपको हर्ट करते लोग, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम ना उसकी वजह से हम अपने माइंड पे स्टक कर लेते हैं कि लाइक हाँ यार मेरी गलती होगी, हाँ यार यहाँ पर मैं गलत था. तो हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम सेल्फ लव नहीं करते, हमारा सेल्फ लव वहां जीरो हो जाता है कि यार हाँ इसने मेरे साथ ये किया, शायद मेरी ही गलती होगी, हाँ या ये या मेरे साथ ये हुआ, शायद मैं ही गलत होगा, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि हम खुद को जस्टिफिकेशन करने लग जाते हैं, हाँ यार मेरी गलती होगी, हाँ यार मेरी गलती होगी, और वहां पर सारा कुछ माइंड में गेम हो जाता है कि जो माइंड पे स्टक हुआ हम उसी को जस्टिफाई करने लग रहे हैं कि हाँ यहाँ पर मेरे दिमाग में ये स्टक हुआ, अच्छा इसकी वजह से हुआ तो मेरी गलती है, कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने रेड फ्लैग्स देखे, कहीं ना कहीं ये ऐसे हो गया था, कहीं ना कहीं वो ऐसे हो गया था, एंड द एंड गलती मेरी आ जाती है. तो वहां पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हम सेल्फ ब्लेम करना बहुत आसान होता है. इस चीज को ना एक चीज कही जाती है, इसका एक टर्म किया जाता है सेल्फ डिफीटिंग मोनोलॉग. अपने आप को हराने वाली बातें आप अपने आप से कर रहे हो. मोनोलॉग है जो बात आप अपने आप से करते हो अकेले, डायलॉग दो जनों के बीच में जो भी हमारे बीच में है, मोनोलॉग अगर अपने आप से अपना बात कर रहे हो, ठीक है, डिफीट अपने आप को हरा रहे हो. अपने आप को हराने वाली बातें अपने आप से करना सेल्फ डिफीटिंग मोनोलॉग. और ये वही होता है, हमारे ब्रेन में ना दो होते हैं, हम एक होता है जो हमारा सेल्फ क्रिटिक होता है, जो हमें सारा नेगेटिविटी ही काउंट करवाएगा कि ये हुआ तो मेरी वजह से हुआ, इस तरह से किया तो मेरी वजह से किया, ये जो भी हुआ, मतलब उसके लिए दुनिया रिवॉल्व्स अराउंड दैट वन पर्सन, और जो होता है उसी की वजह से होता है, ठीक है. दूसरा होता है आपका ब्रेन जो आपको एक्चुअली उस वाले क्रिटिक को चुप कराता है कि भैया जो आप बोल रहे हो आप बेवकूफ, ऐसे मत बोलो, शट अप, ठीक है. तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि बहुत ईजी है अपने आप को ब्लेम करना, बहुत इजी है, दुनिया की सबसे इजी काम होता है अपने आप पे ब्लेम करना, अपने आप को अपने आप से कंप्लेन करना, सेल्फ विक्टिम बन जाना, बहुत आसान काम है. डिफिकल्ट होता है उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सोचना कि हाँ ठीक है ये हुआ, आई कैन मूव पास्ट इट, आई कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट. और ये आई कैन मूव वाला फैक्टर ना उन्हीं लोगों में आता है जिनमें सेल्फ लव आ जाता है. आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसी स्टोरीज होती है कि पहले लोग बहुत परेशान थे, सैड थे, ऐसा होता था वैसा होता था, और एकदम से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो एकदम से बहुत ही अलग से बिल्कुल पर्सनालिटी बदल गई, लोग बदल गए. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका रियलाइज होना कि ये सेल्फ विक्टिम माइंडसेट से मैं सेल्फ वैल्यू करूंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट करूंगा और सेल्फ लव करूंगा. वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा 180 डिग्री आपका सर्कल घूमता है कि दिस इज द चेंज दैट आई नीड टू ब्रिंग इन माय लाइफ. सो लाइक रियलाइजेशन, लाइक लोगों को लगता है कि यार यहाँ पर सच में ब्लेमिंग करना और रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी हो सकती है, कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी हो सकती है, तो वो रियलाइजेशन होना क्या सेल्फ लव का पार्ट है? ऑफ कोर्स, क्योंकि गलती करी है तो अपने आप को फॉरगिव भी तो करोगे ना, फॉरगिवनेस भी तो आएगी ना. वो रियलाइज, अब देखो या तो आप इग्नोरेंट हो सकते हो कि हर्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, उस बारे में सोचे, ठीक है, या फिर रिलैक्स करके ये सोचो कि हाँ यार यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, आप उसको फिक्स करो, अपोलोजाइज करो, बोलो लोगों को यू सॉरी, इट्स ओके टू बी सॉरी. बट सॉरी होने का फायदा तभी होता है जब आपको पता हो आपकी गलती क्या है, और आप अपने आप से भी ये प्रॉमिस करो कि हाँ ये वापस रिपीट नहीं करनी. सॉरी इज नॉट अबाउट यू नो टेलिंग द अदर पर्सन दैट यू नो आई एम सॉरी आई डिड दिस, इट्स अबाउट मेकिंग अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट आई एम सॉरी बट आई प्रॉमिस माय सेल्फ आई विल नेवर डू दिस अगेन. और ये वाला कॉन्सेप्ट हर कोई भूल जाता है.
सेकंड पार्ट ऑफ सॉरी हर कोई भूल जाता है कि ये करना नहीं था फिर से, ये होना ही नहीं था फिर से, लोग फिर भी कर जाते हैं। तो इसलिए सॉरी को समझने का बेस्ट तरीका होता है, यू मेकिंग अ प्रॉमिस, व्हेन यू सेइंग अ सॉरी टू से एनीबॉडी एल्स, यू मेकिंग अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल नॉट डू इट अगेन फॉर एनीबॉडी व्हाटसोएवर, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यार ठीक है आगे कुछ गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, पर इसको हटा ठीक करा जा सकता है, हो सकती है वो ठीक। तो वो फॉरगिवनेस वाला बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी वो सारी वापस आ जाती है। तो सही, लाइक सेल्फ लव और ईगो, ये दो चीजें आती है कि लाइक कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे टॉक्सिक पीपल हो जाते हैं कि कोई बंदा आपसे बात करना चाहता है पर वो आपको लग रहा है कि वो टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए थोड़ा सा, पर आप वो बात करना नहीं चाहते, पर वहां पर वो उस बंदे को लगता है कि यार इसमें तो ईगो ज्यादा है इसलिए इनसे बात नहीं करता। लाइक जैसे कॉन्टेंट क्रिएटर की बात करें, वो बिजी रहते हैं एक्चुअल में, उनका लाइफ शेड्यूल थोड़ा सा एक्टिव होता है, बट लोग जो उनके फ्रेंड्स हैं या कोई जो छोटा क्रिएटर है वो उनसे बात करना चाहता है कि भैया या दीदी या सर मैम आप मेरे मेरे को आपसे थोड़ी सी बात करनी है, आप प्लीज मेरे से दो मिनट का टाइम निकालो, वो मैसेज भी सेंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो थोड़े सही में बिजी रहते हैं, पर उनको क्या लगता है यार कंटेंट क्रिएटर बन गया ना अब तो ईगो आ गई है। तो वहां पर सेल्फ लव और ईगो को थोड़ा सा जस्टिफाई कर दो ताकि ये चीज खत्म हो जाए। ये वाला जो इशू जिनको ऐसा लगता है ना कि यार ये तो बहुत अप्रिशिएट करने के पास टाइम नहीं है, ये वाला जो इंसान है जिसको ये वाली फीलिंग आ रही है उसके अंदर सेल्फ लव कमी है। जो अपना काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो बेचारा देख ही नहीं पा रहा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, पर जो ये सोच रहा है That is there, that is उसकी वजह से, ठीक है। हाँ हो सकता है कुछ लोग बहुत इंटेंशनली ऐसे आपके साथ रूड हो या इगोस्टिक हो या ऐसी चीजें करें, उनमें भी सेल्फ लव नहीं है, ठीक है। जिन भी लोगों में ईगो होगी या जो भी लोग ऐसे दुनिया को क्रिटिसाइज करते होंगे ना, उनमें सेल्फ लव नहीं होगा, क्योंकि आप जिस तरह अपने आप के साथ रहना चाहोगे ना वैसे ही आप सबके साथ रहोगे। वंस यू गेट टू दैट स्टेज ऑफ सेल्फ लव, वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट सेल्फ लव एक्चुअली मींस फॉर यू। बट जो भी ये सोच रहा है कि यार इसमें तो ईगो है, इसको मुझसे बात ही नहीं करनी, यार ये तो ये वो है, ठीक है, वो इंसान एक्चुअली अपने साथ गड़बड़ कर रहा है, वो एक्चुअली अपनी ही वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैंने तो इतना करा इसलिए मुझसे बात नहीं करी, चाहे अगले ने देखा भी नहीं है, पर उसने अपनी वैल्यू अपने अपने आंखों में अपने आप घटा ली, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ लव नहीं है। सो लाइक जब एक चीज ये आती है, जब हम अपने आप को किसी दूसरे बंदे से देखते हैं कि यार वो बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो वहां पर सेल्फ लव चाहे कितना भी हो ना एक बार के लिए वो हो जाता है, डाउन चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज ये दिखती है कि कंपैरिजन आ जाता है कहीं ना कहीं। दूसरा ये हो जाता है कि वो बंदा कुछ पैसे भी अर्न कर रहा है, लाइक फाइनेंशियल नीड्स भी हो रही है उससे सेटिस्फाई, और मैं अभी भी डिपेंडेंट हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है ना कि अब हमारे आगे हमसे बड़ा बंदा आ गया, लाइक मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ पर मेरे आगे कोई और कोई अमेरिकन बंदा आ गया, कोई इंडिया का सबसे बिगेस्ट गाय आ गया, तो मेरे को लगेगा कि यार मैं कहाँ और वो कहाँ पर है, तो वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है। तो आप वहां पर क्या कहोगे कंपैरिजन के बारे में? अपने आप को कंपेयर करना ना बहुत आसान होता है, किसी भी और से कंपेयर करना बहुत आसान होता है कि अरे ये तो यहाँ पहुंच गया मैं तो यहाँ पहुंच गया। और अब इसमें ना दो तरीके होते हैं, दो चीजें होते हैं जो लोग यूजुअली करते हैं। अगर कॉन्टेंट क्रिएटर से बात किया जाए, जब आप किसी और से कंपेयर करते हो ना, आपको लगता है कि अच्छा इसने ऐसे किया तो ये इससे सक्सेसफुल हो गया, चलो मैं भी सेव करता हूँ। तो आप उसको कॉपी करने लग जाते हो। वहां पे आप अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म कर देते हो, आपकी यूनिकनेस जो थी जिस वजह से आप आए थे कंटेंट क्रिएशन में, आपने जीरो कर दी। जैसे ही आपने वो चीज जीरो कर दी जो आपकी मेन ट्रिक थी, जो आपको मेन, तो ऑलरेडी मार्केट में सेम कॉन्टेंट चल रहा, कोई आपको क्यों देखेगा आपके? वो बंदा ऑलरेडी फेमस है, वो क्यों देखेगा आपको? तो ये तो नुकसान ही हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ ये करके, ठीक है। दूसरा होता है जब आप किसी और को अपने आपसे कंपेयर करते हो, तो आप अपने डाउट पे आ जाते हो कि यार एम आई नॉट इनफ, एम आई नॉट गुड इनफ टू डू दिस, बहुत इजीली अपना डाउट पे आ जाते हो। तो जब ये डाउट आता है ना, तो आपके माइंड को उसको शट अप करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक सेल्फ क्रिटिक होता है जो जिसको लगता है पूरी दुनिया उसके अकॉर्डिंगली घूमती है, और वो आपको बोलेगा कि यार ये तो देख कहाँ से कहाँ पहुंची है, तू देख यहीं का यहीं पड़ा है, तेरी बस की नहीं है, छोड़ दे, बहुत आसानी से बोलते छोड़ दे। अब ये आपका पैशन है, आपके अंदर का लव है, जो आप उसको बोल रहे हो कि नहीं यार करके तो देखना है, भाग के देखना है, वो रेस कंप्लीट होगी नहीं होगी वो बात की बात है, पर ट्राई तो जरूर करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। तो बहुत आसान होता है ये चीज आना, बहुत आसान होते हैं ये वाले थॉट्स आना, और सबको आते हैं, ऐसा कोई भी इंसान है जिसको नहीं आता। आप कौन सा वे आउट चूज करते हो वो आपके ऊपर होता है। या तो आप कॉपी करने लग जाओ कि हाँ इसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, ठीक है, अपनी इंडिविजुअलिटी जीरो कर दो,
या फिर आप सोचो कि यार नहीं ठीक है हो रहा है कोई बात नहीं, वो सक्सेसफुल है, वेरी गुड फॉर दैट पर्सन, अमेजिंगली गुड फॉर दैट पर्सन, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं नहीं होगा. क्योंकि हर किसी की टाइमलाइन बहुत अलग है, कितनों से भी कंपेयर करो आपको हमेशा लगेगा कि अच्छा हाँ इसमें ये बेनिफिट था, उसका ये बेनिफिट था, आप अपना भूल जाओगे, वही ना द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड. बहुत इजी आपको लगेगा कि यार इसने ऐसा किया था तो इसलिए ऐसा हो गया इसके साथ, मेरे साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है. पर हो सकता है उस बंदे ने आप पीछे बहुत सारी स्ट्रगल कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है. उसने उस घास के चक्कर में कितने वो किया आपको क्या पता. तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हाँ यार ठीक है जो भी उसने करा जैसे भी करा कोई बात नहीं, आई विल डू माय बेस्ट, वो बोलना अपने आप को बहुत जरूरी होता है. सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हम ना ऐसा करते हैं कि हम अपने अंदर को सामने वाले के बाहर से कंपेयर करते हैं कि यार हमारे को अपने अंदर का पता होता है और उसके बाहर का पता होता है कि लाइक वो मिलियनेयर है और मैं कुछ भी नहीं हूं. तो वहां पर कंपैरिजन हो गया कि उसके अंदर चाहे उसको कुछ भी हो, उसके चाहे उसके घर वाले उसको मारते हो पीटते हो फर्क नहीं पड़ता, हमारे को वो चीज नहीं पता, हमारे को सिर्फ उसकी ट्रू स्टोरी पता है, उसकी जो ट्रू साइड है वो पता है. तो कहीं ना कहीं लोग आपको वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं. Yeah. वो जो भी इमेज आपके अंदर किसी के बारे में भी है, किसी भी एक्स वाई जेड के बारे में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, आपके सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हो, जो भी हो, जो वो आपको दिखाना चाहते हैं ना आपके सामने में वही है, वो अपने ट्रू सेल्फ तो एनी विच वेज नहीं है, कोई भी नहीं है. जो आप अपने आप अंदर होते हो और जो आप किसी और को देखते हो, आप भी किसी से इतना ट्रू नहीं होते, चाहे किसी से कितना प्यार करो, चाहे आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करो, आप फिर भी देयर आर पार्ट्स ऑफ यू दैट दे डोंट नो अबाउट. आपके फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्टिल देयर आर पार्ट्स ऑफ यू दैट दे डोंट नो अबाउट बिकॉज़ वो आपके हैं, वो पर्सनल है. तो एवरीबॉडी इज लाइक दैट विद एवरी सिंगल पर्सन, यू विल ऑलवेज हैव पीपल का पार्ट जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, जो स्टोरी वो बाहर प्ले कर रहे हैं आपको सिर्फ वही दिखेगी. अब आप अपने अंदर से कंपेयर करो या आप अपने बाहर वाले से कंपेयर करो वो आपकी मर्जी, बट आई वांट टू से कंपेयर करो ही मत, जरूरत ही नहीं है वो करने की. तो लाइक आपको ये चीज लगती है कि अगर कोई पर्सन सेल्फ लव्ड है तो वो अपने लिए रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता, ले सकता है, डेफिनेटली ले सकता है. सेल्फ लव का मतलब ये थोड़ी है कि यार आप गलतियां नहीं करोगे. सेल्फ लव का मतलब ये थोड़ी है कि आप फेल नहीं होगे, रिजेक्ट नहीं होगे, 100% होगे. बट सेल्फ लव का मतलब ये है कि रिजेक्ट होगे ना तो उसको संभाल लोगे, गलती करोगे ना तो उसके आगे बहुत इजीली बढ़ जाओगे. क्योंकि जब आप उस फेज में हो ना आप एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हो, पर एक्सपेरिमेंट क्यों करता है इंसान, ताकि कुछ नया निकले, ताकि कुछ समझ आए, पता चले कुछ, है ना. अब बल्ब एक बारी में नहीं बना था ना, टाइम लगा था ना लाइट बल्ब बनाने में, तो सुनी होगी वाली लाइट बल्ब बनाने में कितना टाइम लगा था. तो जिसने बनाया उसने क्या बोला कि हाँ भैया मुझे पता चल गया इन तरीकों से तो नहीं बन सकता. जब बना तो पता चल गया कि हाँ ये वाली चीजें इनसे तो डेफिनेटली नहीं बन सकता, ये क्रॉस हो. तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इन दी एंड वो आपकी हेल्प करेगा. बट वो गलती करना हमेशा जरूरी है, गलतियां करना बहुत अच्छा काम होता है, करो जितनी कर सकते हो करो, और जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करो. लाइक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की भी ये क्वालिटीज होती है जो आपने, अगर वो रिस्क ही नहीं लेंगे तो सक्सेसफुल कैसे होंगे. अगर वो यही नहीं सोचेंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं तो सक्सेसफुल कैसे होंगे, पॉसिबल ही नहीं उनका सक्सेसफुल होना. लाइक सक्सेस देखो दो चीजों से आती है, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, कंसिस्टेंसी और आपका दिमाग. अपने दिमाग को आप कंसिस्टेंटली कैसे यूज कर सकते हो एक आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए, आज वो आपको देखना है सक्सेसफुल आप अपने आप हो जाओ. ग्रेट. सो लाइक आप एडिक्शन पर क्या कहना चाहोगे, लाइक किसी को दारू पीने की, शराब पीने की कोई एडिक्शन होती है और वो ये चाहते हैं यार मैं पीना चाहता हूँ, मेरे को बहुत पसंद आता है. लाइक वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर दो वुल्व्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. जो पॉजिटिव वुल्व होता है भाई नहीं कर, जो सेल्फ लव वाली बात कही आपने कि नहीं यार ये चीज हमारे लिए गलत है, पर नेगेटिव हमारे को थोड़ा थोड़ा भाई कर ले क्या है, एक दिन पी लेते हैं कोई दिन मजा नहीं आता, कुछ नहीं होता, ऐसा होता है. मतलब मैंने जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं. तो वहां पर दो चीजें आ जाती है कि यार कर ले और कुछ सिचुएशन आ जाती है. लाइक मैंने वो आप संजू मूवी देखी होगी, वो उनकी मदर की वो तबीयत खराब हुई थी तो वो अपना नशे वगैरह कर रहे थे, पापा ने डांट दिया तब नशे कर रहे थे. तो वो कोई रीजन मिल जाता है, कुछ वो नेगेटिव वुल्फ और भड़क जाता है जिसकी वजह से हम और ज्यादा उसकी तरफ वॉयलेंट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं. तो वहां पर क्या करना चाहिए, जो भी कभी एडिक्शन में होगा ना वो हमेशा ये बोलेगा कि यार मैं तो कल छोड़ सकता हूँ. हाँ. मैं तो बहुत आराम से कल छोड़ सकता हूँ, तू देख आज
एडिक्शन में होने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आपको रियलाइज ही नहीं होता आप एडिक्टेड हो. जैसे ही आपको रियलाइज हो जाए ना कि आप एडिक्टेड हो, या आपके लिए गलत हो रहा है, या आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे आपको डर लगेगा और आप अपने आप छोड़ दोगे. इसलिए यूजुअली आपने देखा होगा कि जो लोग भी लिकर से एडिक्टेड होते हैं, अल्कोहल से एडिक्टेड होते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच जाते हैं, बाहर से बाहर निकलते हैं, हाँ मैंने सब छोड़ दिया, मैं बिल्कुल साफ सुथरा इंसान हूं, अपना हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो चार दिन हॉस्पिटल में देखे, वो नहीं देखने पड़ सकती को. All of us are scared with one small thing called as death. जो होनी ही होनी है, definitely होनी है, ठीक है? जहां पे भी लगता है वो पास आने लगी है, चाहे वो किसी बीमारी की जैसे या कुछ भी हो, उसकी जैसे जो भी होगा ना कि आपको ये चीजें नहीं करनी, एक सेकंड में छोड़ दोगे, चाहे कितने भी टाइम एडिक्टेड क्यों ना हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना, छोड़ना शुरू कर दोगे, कोशिश करना शुरू कर दोगे. जो लोग अल्कोहल से एडिक्टेड होते हैं, पहली बात वो अवेयरनेस, कि एक अवेयरनेस और एक विलिंगनेस. अगर आप किसी को फोर्स करोगे कि यार आपके लिए बुरा है इसको छोड़ दो, नहीं मानेगा. वो चीज अंदर से आना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप अपने सालों सालों की प्रैक्टिस छोड़ सकते हो कोई किसी भी चीज की, अगर आप दिल से चाहो उसको छोड़ना. अगर आप अपनी आपकी इतनी वैल्यू करो, अपने आप की इतनी रिस्पेक्ट करो कि यार मेरी बॉडी इतनी खराब हो रही है इससे, मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्यों? अपने आप अपना है कि नहीं यार, लेट्स जस्ट लीव इट, आई डोंट वांट टू डू इट एनीमोर. वहां पर सेल्फ लव आ जाएगा आपके. तो एक लास्ट के दो तीन क्वेश्चन है, वो ये कि एक पर्सन को सेल्फ लव, मतलब वो उसको पता कैसे चलता है कि मैं सेल्फ लव हूं, पता कैसे चलता है कि वो सेल्फ लव में है, मतलब वो उसके अंदर सेल्फ लव है. आपको तब पता चलता है जब आप लोगों की गलतियों को बहुत इजीली माफ करने लग जाते हो. अंडरस्टैंड, जब आप सेल्फ लव में होते हो ना, एक ट्रांजिशन आता है. सेल्फ लव एक चॉइस है जो आपको हर रोज लेनी है, ठीक है? अगर इफ आई टुडे से कि मैं आई एम वेरी मच इन लव विद माय सेल्फ, व्हाटएवर आई डू इट फॉर माय सेल्फ, यही मैं कल सोचू कि मैं नहीं कर रही, नहीं करना मुझे, कुछ भी नहीं करना, वो सेल्फ लव उसी दिन खत्म हो जाएगा. इट्स अ चॉइस दैट यू टेक एवरी सिंगल डे. आप सेल्फ लव से होता क्या है, बेनिफिट क्या होता है जो आपको एक्चुअली फील होता है? आपकी लाइफ की आधी गलतियां जो आपने पहले करी होंगी ना, आप उसको बहुत इजीली माफ कर पाते हो. जो लोग आपकी एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं, जो आपके टॉक्सिक लोग होते हैं, उनको आप बड़े प्यार से बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरे लिए बुरा है, ये चाहता ही बुरा है मेरे लिए, या फिर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है मेरी लाइफ में. तो आप एक बाउंड्री सेट करना शुरू कर देते हो कि यार ठीक है, स्टेप वन बाय टू मैं थोड़ा सा अलग होता रहूंगा, मैं पीछे होता रहूंगा इस इंसान से, और वो बाउंड्री कब बन जाती है आपको भी रियलाइज नहीं होता, ठीक है? हर रोज थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस वाली चीज होती है कि हाँ यार ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जैसे हो रहा है अच्छा हो रहा है, चाहे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी क्यों ना हो ना, चाहे मतलब पैसे जीरो हो गए अकाउंट में, फिर भी फील होगा कि यार ठीक है, कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, पहुंच जाएंगे जहां पहुंचते हैं, डिफिकल्ट है अभी बट इतना जोर नहीं है, हो जाएगा. तो ये दो तीन छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके आपको ना रोज फील होने लग जाती है. कोई आपके सामने गलती करे, पहले होता था कि बहुत गुस्सा करोगे, बहुत अग्रेसिव हो जाओगे, आप होगा कि नहीं ठीक है करी कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे. वो वाली अवेयरनेस, वो वाली शांति, एक छोटी सी पीस होती ना, वो दिल में आ जाती है कि ठीक है जो हो रहा है जैसे हो रहा है हम संभाल सकते हैं हर चीज. कहीं पे पैनिक होने की जरूरत नहीं होती. इसका मतलब ये नहीं कुछ सिचुएशन में आप पैनिक नहीं होगे, हर्ट नहीं होगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगी, सब कुछ आएगा, बट बाय द एंड ऑफ इट यू नो हाउ टू डील विद इट. बट वो जो कोशिश करने का दिल करता है ना, वो हमेशा आपके पास अंदर होगा, आपको बोलेंगे कि हाँ करते रहो. So like last इस podcast को end करते हैं, तो आप क्या advice करना चाहोगे self love से related, या youngsters को क्या advice? Youngsters को I would just say कि अभी जो stage है ना, it's the best stage to learn self love, to understand कि ये concept होता क्या है, to understand कि इसकी importance आपकी life में कितनी है. क्योंकि अगर आपने अभी ये सीख लिया ना, आपके आगे के 20, 30, 50, 60, 70 साल की जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी. Imagine not being that uncle जो रोज सुबह बाहर अखबार लेके लोगों पे चीख रहे होते हैं. इमेजिन नॉट बीइंग द खड़ूस पड़ोसी दैट यू माइट हैव. आप वो सब नहीं होंगे इफ यू वुड नो दिस बाय नाउ, इफ यू वुड अंडरस्टैंड इट एट दिस स्टेज. जो वो सारी चीजें अपनी ओल्ड एज पे आके कर भी रहे हैं ना, दैट इज बिकॉज उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है. मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई वो बनता है, बट
वो बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी पास हो जाती है, क्योंकि लोग अपने अंदर खुश नहीं होते. तो अपने अंदर वो खुशी लाना बहुत जरूरी है, अपने अंदर अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है. और आपके जितने रोमांटिक रिलेशनशिप तो भी आपकी लाइफ में आने हैं, जितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको अभी बनाने हैं, जितने भी अभी और आने हैं, वो सबसे ना आप थोड़ा सा इजीली बात कर पाओगे जब आपको पता हो कि हाँ यार ये चीजें चाहिए, ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए. जब ये वाली चीज क्रैक कर ली ना, तो आगे के जितने रिलेशनशिप होंगे सारे बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि पता होगा कि करना क्या है, कैसे करना. आसान नहीं है, डिफिकल्ट होता है सेल्फ लव करना, एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, पर इस स्टेज पे वो टाइम आप अपने आप को दे सकते हैं बहुत सारे. या सो थैंक यू सो मच दी, मतलब मुझे लाइफ का एक दूसरा एंगल पता चला जो शायद मैं मिस्टेक्स कर रहा था, वो मुझे पता चले कि आज के बाद ये चीज तो नहीं हूं कम से कम, वो आपने मुझे क्लियर कर दिया. थैंक यू सो मच दी, और मैं आपके साथ और फ्यूचर में पॉडकास्ट करना चाहता हूँ. डेफिनेटली लाइक आप हैप्पीनेस कोच हो, तो हैप्पीनेस पे एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ. मुझे आपसे बात काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और फ्यूचर में भी मिलेगा ये तो मुझे पता ही है. एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप सो आपको भी मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में. बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच हर्षित मुझे इनवाइट करने के लिए. थैंक यू सो मच दी, एंड मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि दी के सारे जो लिंक्स है सोशल मीडिया के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार कंटेंट जरूर चेक करना दी का. एंड दी की एक बुक है वो मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला, वो वहां पर आपको दिख रही होगी क्योंकि फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अब आज तो दी को बुलाया है पर वो आज कुछ भी करने मुझे. पर आज के लिए दी थैंक यू सो मच, एंड सभी व्यूअर्स को बाय बाय. Thank you, Ashit. Take care. Thank you, Dee. Thank you so much.